मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंदसौर जिले के कई गांवों में पारा गिरने के कारण फसलों को भारी क्षति हुई है। उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इस कारण से मैदानी इलाके में चल रही शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक इनका कारण पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बने दबाव क्षेत्र का मान रहे हैं। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हो रही है, इस कारण से मैदानी इलाके में सर्द हवाएं चल रही हैं। पारा 6 से 7 डिग्री न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिक ठंड पड़ने के कारण किसानों के खेतों में लगे स्प्रिंकलर्स और पाइपलाइन में बर्फ जम गई है। साथ ही साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी पारा गिरने के कारण जल गई है। किसानों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से भारी ठंड पड़ रही है, इस कारण से खेतों में फसलों पर बर्फ जम गई है और फसलें जल गई हैं। किसानों का कहना है कि 60 से 75% उनकी फसलें पारे के कारण खराब हो गई हैं, जिनमें ज्यादा नुकसान चना, सरसों, मेथी, धनिया और अन्य सब्जियों पर हुआ है। किसानों की मांग है कि सरकार राजस्व अमले से इसका शीघ्र सर्वे करवाए और किसानों को मुआवजा दे। वहीं इस मामले में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के उपसंचालक अजीत सिंह राठौर का कहना है कि किसान पारे की संभावना को देखते हुए अपने खेतों में सिंचाई करें और धुआं करें, जिससे पारे के कारण उसकी फसलों को कम से कम नुकसान हो। जी, ये पाला गिरने से अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ। तो इससे चना, सरसों, मेथी की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ। और लगभग 70 से 75% नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हैं ये? हम यही चाहते हैं अब राजस्व विभाग से जो नुकसानी का आलंकन करके उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में हुआ? जी, सबसे ज़्यादा चना और सरसों में हुआ है नुकसान। अरे, इसमें वो चने ज़्यादा भर गए हैं, चने, मेथी, सरसों। हाँ। और ये रायडा रायडा बोलते हैं इसको। हाँ। और ये हमारे कुछ खाने पीने के लिए बो रखी थी वो मिर्ची वगैरह। हाँ। तो वो भी सारी मिर्ची भी सारी ऐसी स्लेट हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा उसमें। अच्छा। हाँ, और इसको अगर सरकार का जो नियम चल रहा है, नियम के अनुसार हमारे जो बीमा है। हाँ। हमारे जो भी इसका किसान मुआवजा वगैरह मिलता है तो सरकार हमारी सहायता करे तो अच्छी बात है। ये तो पाला तो हर साल की बात है कि जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है, आसमान खुला रहता है तो पाला गिरता ही है। वो किसान भी सबको अच्छे से मालूम है कि अगर पाले पड़ने की संभावना हो तो खेत में सिंचाई कर दें या आजू बाजू धुआं कर दें उसके, तो पाले की संभावना कम हो जाती है। तो सुझाव में तो यही दे सकते हैं कि किसान भाई फसलों में पानी दे दें और धुआँ कर दें, तो उससे पाले से बचाव हो जाएगा। आगे और क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को, जिस तरह से? नहीं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है कि जो संभावना दिखे अगर कि रात में पाला ज़्यादा ठंडा हो रहा, पाला पड़ने की जो ऐसा आशंका है, तो एक सिंचाई करना एक सबसे अच्छा बचाव का उपाय है। और एक धुआं करने से उसमें पाले से नुकसान से बचाव हो जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।